नमस्कार दोस्तों दोस्तों डंकी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आपका स्वागत है। और इस मूवी का देखा जाए आज तीसरा शनिवार है, और ऐसे में जो इसकी एडवांस बुकिंग निकली है ना दोस्तों, वो ये इशारा कर रही है कि ये मूवी फ्राइडे से ज़्यादा सैटरडे को कलेक्शन करने वाली है। और ऐसे में जो कल मेकर्स ने पोस्टर दिया है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का, उसको देखने के बाद दोस्तों अब इस बात पर मोहर लग गई है कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड के मामले में 500 करोड़ का तो छू लेगी। भले ही देखा जाए नेट कलेक्शन के मामले में इसकी रफ्तार बहुत ही डाउन होती जा रही है, लेकिन ओवरसीज की बात करें ना दोस्तों तो वहां पे इसका कलेक्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये मूवी ओवरसीज के मामले में दबा के कलेक्शन कर रही है। ऐसे में अब जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनका भी ये मानना हो गया है कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड के मामले में देर सवेर सही लेकिन 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर देगी। तो चलिए दोस्तों बगैर किसी देरी के बात कर ले हम इसके 16वें दिन के बॉक्स ऑफिस एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और इसी के साथ चर्चा कर लेंगे कि आज ये मूवी अपने थर्ड सैटरडे को कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए दिख रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर हम इसके 16वें दिन के कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने नेट कलेक्शन के मामले में 2.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। लेकिन अगर हम ओवरसीज की बात करें तो कल इस मूवी ने ओवरसीज से देखा जाए 4 करोड़ रुपए की कमाई करी है। सोचिए दोस्तों ओवरसीज में किस हिसाब से इस मूवी का कलेक्शन हो रहा है, 16वें दिन 4 करोड़ की कमाई करी है। और इसी के साथ देखा जाए दोस्तों कल की अगर हम वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट निकालें तो इसका बनता है 6.5 करोड़ रुपए, यानी कि 16वें दिन भी वर्ल्ड वाइड के मामले में 6.5 करोड़ रुपए की कमाई करी। वहीं अगर हम दोस्तों 15 दिन के अंदर जो मेकर्स की रिपोर्ट आई है वर्ल्ड वाइड के मामले में, वो आई है 422 करोड़ 15 लाख। ऐसे में अगर हम दोस्तों 7 करोड़ रुपए और जोड़ दें इसमें तो कितना बनता है 429 करोड़, यानी कि लमसम इस मूवी ने 430 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है सिर्फ 16 दिन के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके 17वें दिन की, यानी कि थर्ड सैटरडे की। दोस्तों अगर हम इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में बात करें तो इसने शुक्रवार को करी थी 38 लाख की एडवांस बुकिंग, और आज शनिवार को इस मूवी ने करी है 70 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग, यानी कि एक तरीके से देखा जाए 70% का ग्रोथ लगा है। ऐसे में ये मूवी मुझे लग रहा है 3.5 करोड़ का तो कलेक्शन कर ही लेगी बड़े आराम से। और ये अगर इतना कर लेती है तो इसका टोटल नेट कलेक्शन कितना हो जाएगा 212 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर हम ओवरसीज की बात करें तो ओवरसीज में भी दोस्तों ये मूवी 4 करोड़ के ऊपर तो कमाएगी। ऐसे में दोस्तों लग रहा है कि ये मूवी जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकलेगा आज सैटरडे का वो 8 करोड़ का तो निकलेगा, और हमारे पास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो रहा था 430 करोड़ रुपए, उसमें अगर हम 8 करोड़ और जोड़ दें तो कितना होता है 438 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों मेकर्स की तरफ से संडे तो शायद नहीं लेकिन मंडे तक ये जो मूवी है 450 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर देगी। ऐसे में दोस्तों अब ये फंसता है कि ये मूवी 50 करोड़ की कमाई कैसे करेगी। लेकिन दोस्तों देखा जाए अभी इस मूवी के पास 1 हफ्ते का समय है, क्योंकि अगर हम अगले फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो उस दिन हनुमान मूवी रिलीज हो रही है और बॉलीवुड की तरफ से मैरी क्रिसमस मूवी रिलीज हो रही है। ऐसे में इसके 100 तो गिर जाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि भले ही ये मूवी नेट कलेक्शन के मामले में 300 करोड़ का आंकड़ा ना क्रॉस कर पाए लेकिन ओवरसीज के मामले में 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर देगी। लेकिन ओवरसीज में इस मूवी का कलेक्शन अच्छा जा रहा है। अगर दोस्तों देखने वाली बात होगी कि इसका मंडे कैसे गुजरता है, अगर मंडे को इस मूवी ने ओवरसीज में ठीक ठाक रफ्तार पकड़ी रही अपना, यह कि करोड़ों के ऊपर खेलती रही, तो यकीन मानिए ये मूवी 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। और पठान और देखा जाए दोस्तों इसी साल टाइगर 3 मूवी सलमान खान की रिलीज हुई थी जिसने वर्ल्ड वाइड के मामले में 470 करोड़ की कमाई करी थी। ऐसे में ये मूवी टाइगर 3 का रिकॉर्ड तोड़ के बॉलीवुड की मुझे लग रहा है 5वीं या 6वीं सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी। क्योंकि अगर हम इस साल की बड़ी मूवियों के बारे में बात करें जिसने वर्ल्ड वाइड के मामले में 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया हो, जवान थी, पठान थी और गदर 2 थी, और देखा जाए एनिमल थी और कोई मूवी थी,
चार मुझे समझ में आ रही है। अगर और कोई भी मूवी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों पांचवी मूवी मुझे लग रहा है डंकी बन जाएगी और ये बॉलीवुड की तरफ से इस साल टॉप 5 में एंट्री ले जाएगी। यानी कि 5 मूवियों में से 3 मूवियां तो खाली शाहरुख खान की होने वाली हैं। वाकई में दोस्तों ये साल साल नहीं, इस साल का नाम होना चाहिए शाहरुख खान, क्योंकि सन 2023 में शाहरुख खान की मूवियों ने जो तबाही मचाई है वो अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है और एक अनोखा इतिहास है। वैसे दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Bye-bye.